वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। अब हम पढ़े हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 2 का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करें, क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसके जैसे कि हम एक मैथ ले लेते हैं, 40 किलोग्राम का हम मैस ले लेते हैं। ये जो है हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो केजी है हमारे पास क्या है? यूनिट है। इसमें ये क्या है कि ये दोनों जो मिलके हमें क्या देते हैं? ये दोनों मिलके हमें एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। इसके इसमें स्केलर क्वांटिटीज में आ जाती है लेंथ, एग्जांपल में मास, टाइम, ईटीसी। इनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिस्टेंस भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपनी वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती है? क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि हमने स्केलर क्वांटिटी में क्या पढ़ा था? जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें हमें लेंथ के बारे में बताया जाता है, या टाइम के बारे में, या कितना टाइम है, कितना मास है, कितना लेंथ है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, साथ उसके यूनिट्स होते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि उसकी डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की आगे डेफिनेशन के द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्स बाय कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वैक्टर क्वान्टिटीज। हम ले लेते हैं फोर्स, जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स ले लिया हमने। अब ये देखें कि 5 न्यूटन जो फोर्स ली है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रही होगी, या तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, या फिर फोर्स इस डायरेक्शन में, या फिर ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही होगी, या फिर नीचे वाली डायरेक्शन में लग रही होगी। 5 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, न्यूटन के हैं, इसके यूनिट्स आगे हैं, और ये साथ इसकी क्या आ गई है? डायरेक्शंस आ गई हैं। तो ये क्या आ गई है? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है हमारे पास। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, इसकी पहली एग्जांपल फोर्स आ गई हमारे पास, इसके बाद वेलोसिटी आ गई है, डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, ईटीसी। यानी कि और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे हम जो ये वेक्टर क्वांटिटी हमने जो पढ़ी है, इसकी डायरेक्शन के बारे में जो डिस्कस किया, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए, मुख्तलिफ करने के लिए, वी जनरली यूज अ बोल्ड लेटर। हम फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको बोल्ड लेटर बना लेते हैं, ऐसे बोल्ड लेटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, यानी कि ये फोर्स से क्या हो गई है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। वी जनरली यूज द बोल्ड लेटर और एरो ओवर देयर यानी कि या फिर हम इसके ऊपर क्या ले लें? एक एरो ले लें, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है। या फिर हम यू कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक जस्ट बार ले लें, एक बार ले लें, तो वो भी हम क्या करेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को? या तो हम बोल्ड लेटर लिख दें, या फिर हम जो वेक्टर क्वांटिटी की वर्ड है या क्वांटिटी है उसके ऊपर हम एक एरो बना दें, या फिर हम एक बार बना दें। आगे बढ़ते हैं हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ है। आ वेक्टर और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो, यानी कि एक लाइन लगा ले हम, जैसे कि ये एक मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, एक लाइन है, और यहाँ ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? बी है, और ये क्या आ गया? ए पॉइंट है हमारे पास। ये जो ए टू बी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ बनती है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, वो क्या कहलाती है? इसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। The length from A to B is its magnitude. ये क्या हो गया? इसकी मैग्नीट्यूड हो गई है।
एंड जो ये जो एरो है हमारे पास, ये जो एरो एट पॉइंट बी, ये क्या है हमारे पास शो करता है, इसका वेक्टर शो करता है। तो क्या है हमारे पास, यानी कि हम किसी भी वेक्टर को के ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक हमारे पास क्या होती है मैग्नीट्यूड होती है, साथ हमारे पास क्या होता है एक डायरेक्शन होती है, दूसरी तरफ है कि किसी भी पॉइंट से उसकी किस डायरेक्शन में है हमारे पास। जैसे कि हम फोर्स ले लें या फिर हम वेलोसिटी ले लें, एक्सेलरेशन ले लें, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उसको हम एरो से शो करेंगे किसी भी पॉइंट से, और जो हमारे पास उसकी लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी मैग्नीट्यूड होगी। तो हमने स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज में जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, और इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम है, और जिस स्केलर क्वांटिटीज में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ हमारे पास एक यूनिट होता है जो मिलके हमारे पास क्या देते हैं एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या करते हैं हमारे पास, इसमें ना सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड को देते हैं बल्कि डायरेक्शन को भी बाकायदा बयान करते हैं। जैसे कि फोर्स ही फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में लगती है, जैसे कि हमने किसी बाल को ऊपर की तरफ फेंका है तो वो ऊपर की तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ थी, और जब बाल नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आ रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ होगी। अगर हमने सामने की तरफ फेंका है तो हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारे पास बाल सीधी जा रही है हमारे पास। इसी तरह है इसकी जो हमने एग्जांपल्स की थी, फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, डिस्प्लेसमेंट भी। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो दी थी हमने, तो डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोर्ड लेटर, यानी कि हम बोर्ड लेटर के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, और एरो ओवर देयर रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उनके ऊपर हम लेटर के ऊपर एक एरो लगा दें या फिर हम एक बार लगा दें। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बार एक लेंथ लेते हैं, साथ उसके एक डायरेक्शन बता देते हैं उसकी पॉइंट के हिसाब से, इस तरह हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।